रिफ्रेश कर दूँ इसको? हाँ रिफ्रेश कर दीजिए भाई। अरे बाप रे बाप, हाँ ब्लॉगिंग से 20 लाख रुपए महीना? मैं भी बनाता हूँ ब्लॉग, होस्टिंग खरीद लेता हूँ पहले। अरे भाई रुक जाओ, पहले पूरा वीडियो तो देख लो, क्या बताया है ब्लॉगिंग कैसे होता है ये तो समझ लो। केवल पैसा देख के नहीं शुरू कर देते भाई, ब्लॉगिंग के बारे में पता है? अरे क्या करना है, होस्टिंग खरीद लेता हूँ, फिर बाद में सीख लूंगा कि ब्लॉगिंग होता क्या है। सीखते रहेंगे आराम से, इतना पैसा है इसमें। ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे और फिर होस्टिंग बाय कर लेंगे और फिर बाद में उन्हें समझ में नहीं आता ब्लॉगिंग होता क्या है, ब्लॉगिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती हैं। आज 90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज के 17वें दिन पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी का वीडियो देखते हो, कहीं से भी मोटिवेट होते हो कि ब्लॉगिंग शुरू करना है आपको, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, यहाँ पे वो एलिमेंट्स, वो चीज़ें, वो एस्पेक्ट के बारे में बता दूंगा कि ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, देन आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो। जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम क्राइटेरिया है ब्लॉगिंग शुरू करने का, तो आप इन चीज़ों को पहले लर्न करो, कहीं से भी लर्न करो। तो यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप बनाया हुआ है जिसमें मैंने करीब 7 चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले इनके बारे में जानकारी होना चाहिए अगर कोई ब्लॉगिंग में आना चाहता है तो। जो सबसे पहली चीज़ है, नीच फाइंड करना। आप ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस नीच पे हम ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या फैक्टर होता है जो एक नीचेस में हम चेक करते हैं तब हम एक नीच को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर इंटरेस्ट बेस्ड भी हो सकता है या फिर आप बेस्ड ऑन मार्केट भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप गूगल पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी सर्च करेंगे हाउ टू फाइंड नीच, तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे जहां से आप जाके लर्न कर सकते हो कि नीचेस कैसे फाइंड करते हैं। ब्लॉगिंग के लिए जो दूसरा बेसिक क्राइटेरिया वो है डोमेन। आपको डोमेन के बारे में पता होना चाहिए कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन में लेवल्स क्या होते हैं, जैसे टॉप लेवल डोमेन, कंट्री लेवल डोमेन, डोमेन कहाँ से बाय करते हैं, कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, इनको इनमें DNS क्या होता है, नेम सर्वर क्या होता है, कैसे इसे सेटअप करते हैं, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में होना चाहिए ताकि आप एक सही डोमेन चुन पाओ अपने ब्लॉग के लिए। तीसरा जो बेसिक क्राइटेरिया है, होस्टिंग। यहाँ पे मैं ब्लॉगर की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉगर पे होस्टिंग मिल जाता है, सब डोमेन पे लोग ब्लॉग बना लेते हैं और अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डोमेन खरीद के गोडैडी से ब्लॉगर पे सेटअप करके बना लेते हैं, बट यहाँ पे अगर हम बात करें होस्टिंग उनके लिए चाहिए जो वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, तो होस्टिंग कौन सा चुनना है, होस्टिंग चुनने के लिए क्या फैक्टर हैं जो कि हम देखते हैं, और होस्टिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन से हैं, होस्टिंग में डोमेन कैसे सेटअप करते हैं, होस्टिंग सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है, होस्टिंग का जो फाइल स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, SSL क्या होता है, cPanel क्या होता है, इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप अपने होस्टिंग को खुद से मैनेज कर पाओ, खुद से सेटअप कर पाओ। सपोज जैसे होस्टिंगर से आप बाय करते हो, क्लाउडवेज से बाय करते हो, डिजिटल ओशियन से बाय करते हो, तो तीनों का ना अलग अलग तरीका है सेटअप करने का, तो अगर आप नहीं जानोगे कि इन पे सेटअप कैसे करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो होस्टिंग को जब चुनो आप तो उनके बारे में लर्न भी करो। उसके बाद आता है जो चौथा बेसिक रिक्वायरमेंट है जब आप ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं, तो उसके लिए है CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि ज़्यादातर लोग वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हैं तो वर्डप्रेस एक CMS है, तो वर्डप्रेस के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं, वर्डप्रेस का बेसिक सेटअप कैसे होता है, जैसे परमालिंक सेटअप करना, डेट सेटअप करना, कैटेगरीज क्रिएट करना, मेन्यू क्रिएट करना और उसमें थीम इंस्टॉल करना, प्लगइन इंस्टॉल करना, ये सब चीज़ें, कौन से प्लगइन अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वीडियोज़ में, तो वो भी 90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में आप देख सकते हैं या फिर आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत सारे हेल्प वाले वीडियोज़ मिल जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो कंप्लीट बेसिक से होती हैं, नए लोगों के लिए होती हैं जो कि लर्न कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए CMS के बारे में। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है जो ब्लॉगिंग का, जिससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग लर्न नहीं कर पाते। ऊपर की जो मैंने 4 चीज़ें बताई वो प्रोसीजर वाली हैं, मतलब उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करोगे आप तो चीज़ें आपको निकल के आ जाएंगी, चीज़ें फाइंड कर लोगे, बट जो कंटेंट है ना इसमें कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि कहीं पे इसका प्रोसीजर नहीं है, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। कि कंटेंट का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च। आपको फाइंड करना पड़ेगा जो आपने ब्लॉग बनाया है, जिस नीच पे ब्लॉग बनाया है उससे रिलेटेड कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं जैसे कि HRF हो गया, SEMrush हो गया, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया, गूगल ट्रेंड हो गया, अलग अलग लोग तरीके यूज करते हैं
अलग कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए, और उन तरीकों का आपको पता होना चाहिए जब आप ब्लॉगिंग में आ रहे हो कि कौन सा तरीका आप यूज करने वाले हो कीवर्ड्स फाइंड करने के लिए। अब कीवर्ड्स जब फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद का स्टेप आता है कंटेंट रिसर्च। आपने कोई कीवर्ड चुन लिया, अब उस कीवर्ड पे कंटेंट का डेटा जो है वो कहाँ से आपको लेना है, कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते हो, कंटेंट रिसर्च करते हो, लाइक डेटा देखते हो अलग अलग सोर्सेज से और उन डेटा को नोट डाउन करते हो। देन आते हो थर्ड स्टेप पे जो है कंटेंट प्लानिंग। आपको कंटेंट प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी, कंटेंट का लेआउट तैयार करना, जैसे उसमें कौन सी हेडिंग्स होंगे, लाइक कंपटीटर्स में कितने हेडिंग्स हैं, ये सब चीज़ें, एफएक्यू कैसा होगा, टेबल्स कहाँ यूज होंगे, लाइक इमेजेस कहाँ यूज होंगे, ये सारी चीज़ें। देन आते हैं नेक्स्ट, इसमें जो स्टेप है वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा कंटेंट लिखते कैसे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर लोग जो फेल हो रहे हैं ब्लॉगिंग में, उनको कंटेंट राइटिंग सही तरीके से नहीं आता। तो आप इसके लिए बेस्ट तरीका मैं बताऊं, आप कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करो, आप लोगों के कंटेंट पढ़ना शुरू करो, जो टॉप ब्लॉग हैं आपके नीचे में उनके कंटेंट आप देखो, वो किस तरह से कंटेंट लिखते हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन करते हैं, उनको आप समझो और उस चीज़ को अपने कंटेंट में अपने तरीके से लिखना स्टार्ट करो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, तो ये बेस्ट तरीका है कि आप कंटेंट कंज्यूम करो। और देन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइक मल्टीमीडिया, इमेजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इमेज एडिट करना, इमेज को लगाना अपने पोस्ट में, वीडियोज लगाना, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देन आता है सेकंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो बेसिक क्राइटेरिया है ब्लॉगिंग के लिए, ऑन पेज के बारे में पता होना चाहिए, ऑन पेज एसईओ के बारे में, जैसे कि कीवर्ड प्लेसमेंट के बारे में, इंटरनल लिंकिंग के बारे में, मेटा टैग लाइक मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, टाइटल हो गया, परमा लिंक हो गया, ठीक है, उसको कीवर्ड को हाईलाइट कैसे करना है, एल टैग कैसे लगाना है, एल टैग कहाँ पे लगाना है, इमेजेस का साइज क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपके ऑन पेज में आती हैं, जो कि बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए। देन आ जाता है मोनेटाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप ब्लॉग शुरू करते हो सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कहाँ से मोनेटाइज करना है, तो आप पैसा कैसे कमाओगे, तो आपको मोनेटाइजेशन के तरीके पता होना चाहिए, गूगल एडसेंस क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे ऐड लगाते हैं, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, एफिलिएट क्या होते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म कौन से हैं, कैसे एफिलिएट मार्केटिंग मिलता है, क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, ये सब चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। तो जब इतनी सारी चीज़ें आपको पता हों, जब इतनी सारी चीज़ें आप लर्न कर लो, देन आप डिसाइड करो कि अब मैं रेडी हूँ ब्लॉग शुरू करने के लिए, तब आप जाके होस्टिंग परचेज करो, उसके बाद ब्लॉग शुरू करो। मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप जाके देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको वीडियो दिखेगा ब्लॉगिंग में फेल, 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग में कोई पैसा नहीं है। क्यों नहीं पैसा है? क्योंकि वो चीज़ें लर्न नहीं कर सकते, एक चीज़ें लर्निंग में लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लर्निंग में इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको लर्न करना पड़ेगा चीज़ों को, देन उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप पहले इम्प्लीमेंटेशन पे घुस जाओगे तो आप लर्न कहाँ से करोगे, इम्प्लीमेंटेशन तब करते हैं जब उस चीज़ का नॉलेज हो, और पहले नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपका पैसा है, आपका लाइक जो पैसा आप लगा रहे हो वो आपका पैसा है, आपके मेहनत का पैसा है, कहीं से भी आए, छोटा अमाउंट हो किसी के लिए वो 3,000 छोटा हो सकता है, किसी के लिए 3,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, तो लेकिन वो 3,000 अमाउंट है, जब उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप राइट वे में इन्वेस्ट, क्योंकि इसी से पता चलता है आप पैसों के लेके कितना सीरियस हैं। आप अपने पैसे को बिना सोचे समझे कहीं पे भी लगा सकते हैं, या फिर आप पहले सोचेंगे समझेंगे देन आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी नए लोग हैं, जितने भी मैं ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे नए लोगों से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं जितने लोग शायद ब्लॉग पे वीडियो बना रहे होंगे उतने सारे लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों से मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जो कि प्रॉब्लम फेस करते हैं ब्लॉगिंग में, होस्टिंग डोमेन बाय करने के बाद, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी टू प्रमोट दिस वीडियो ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया, आप शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और होप आप सभी अच्छे हों और अच्छे रहना चाहिए, और आप बिना लर्न किए चीज़ों को करना बंद कर दें।